अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए बुलाया गया हकूमती इजलास मुस्तरद कर दिया। कहा, हकूमत ने कौमी मफाद में अपोजिशन के हर तावुन को ठोकर मारी और अपनी सियासी ड्रामेबाजी के लिए इस्तेमाल किया। मुस्लिम लीग नून के सदर और पार्लियामेंट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाबी इस्लाहात के लिए बुलाए गए इजलास मुस्तरद करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान हसास कौमी मामला है और कश्मीर कॉज से जुड़ा है। मौजूदा हुकूमत इसे अपनी सियासत की भेंट न चढ़ाए और गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात के अमल में रुकावट न बने। स्पीकर कौमी असम्बली को कोई इख्तियार नहीं कि वो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी अमूर में मुदाखलत करे। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि हुकूमत ने कौमी मफाद में अपोजिशन के हर तआवुन को ठोकर मारी और अपनी सियासी ड्रामेबाजी के लिए इस्तेमाल किया। हुकूमती फिस्ताई और आमराना रवैये को देखते हुए किसी किस्म का तआवुन ना करने का फैसला किया गया है। एपीसी के नुमाइंदा इजलास में मंजूर करदा करारदाद और फैसलों की पासदारी करेंगे।